You are live now. Yes, I'm live now. आ जाओ सारे फटाफट. We are telling your followers that you are started our live video. Please tell them. Please tell everybody that I'm live. Tell everybody. Everybody to come over. शास्त्री जी joint. उद्भव आचार्य. We're sitting right here. Fucking weird thing. Join me from here. Neetu Singh joined. What's happening, Neetu? Honey, tujhe mein doob raha hai. Pankaj Bansal. What's happening, brother? Base Yogi Akansha Sharma also joined. Base Yogi bhi yahi khada hai. और यहीं से लाइव जाने की क्या जरूरत है, मुझे ये चीज नहीं समझ में आती. गुड टू सी यू बाजी. पंकज बंसल आई लव यू ब्रदर. आई लव योर फरारी मोर देन यू. इट्स आरडीएम इंग्लैंड वाले इज आल्सो हियर. सिड K77 माय नेफ्यू फ्रॉम नागपुर. सिद्धार्थ वैभव भैया को नमस्कार बोलिए मेरा. अरुण जेटली डैडी बॉय. विक्रम सिंह बाजी टिप टॉप पुत जटदा is also live. आ जाओ सारे आ जाओ. अभी सिर्फ 24,000 लोग आए हैं और आएंगे तब मैं बोलना शुरू करूंगा. शैली शेल व्हाट्स हैपनिंग शैली. कैसी हो शैली. ओहो साहिल खट्टर ज्वाइन एज वेल. The most funniest guy I know. President. Yo-yo. For President. Sahil Paji, you have made your body very well. But I will beat you too. Today I have come to the gym. I am eating light. And focusing on workout. I am not going to travel. I am thinking about the next 1.5 months. I don't want to travel. मैं हूँ बॉडी बनानी है पटाकेदार जस्ट लाइक ओल्ड डेज. सो दोस्तों बताइए आपको मेलेडी रोजा कैसा लग रहा है. मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं कि आपको पसंद आ रहा है. कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है और काफ़ी सालों बाद गाया है मैंने. रैप नहीं किया और ये वाइब ना इंटरनेशनली बहुत चल रही थी एफ्रो. तो अभी तक एफ्रो पे कोई गाना आया नहीं था मेलेडी मेलेडी टाइप्स. तो फिर मैंने कहा राघव शर्मा आ गया देसी म्यूजिक फैक्ट्री वाला शरारती लड़का. 24 घंटे जो दुबई में शॉपिंग करता रहता है और कुछ नहीं करता. कोई काम कोई मुझसे पूछ रहा है अगर कि राघव शर्मा क्या काम करता है तो वो सिर्फ पैसे उड़ाता है और कुछ नहीं करता है. सुन लो सारे. सो आई वाज सेइंग कि ये एफ्रो पे किसी ने अभी तक कुछ बनाया नहीं था. सो देन आई थॉट कि कुछ बनाया जाए एफ्रो म्यूज़िक में. तो एक ऐसी मेलेडी आई दिमाग में. बेस योगी ने बीट बनाई. मेरे साथ क्या हो रहा है कि आजकल मैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बीटें नहीं बना रहा हूँ. क्योंकि जब मैं गाड़ी में होता हूँ मेरे पास दिमाग में लिरिकल थाट आता है कोई, तो मैं जब स्टूडियो आके बीट बनाने लगता हूँ, 1.5 घंटा बीट बनाता हूँ, तो मेरे दिमाग से लिरिकल थाट निकल जाता है. तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मैंने लिखना क्या था. तो फिर मैंने आजकल क्या करना शुरू करा है कि मैंने बेस योगी को बोला है कि मेरे लिए प्रोड्यूस करा करे, बीटें बनाया करे. और होमी बहुत अच्छी बीटें बना रहा है और बहुत क्रेजी बीटें बना रहा है. तो आने वाले वक्त में मैं बेस योगी और होमी की बीटों पर गाने लेकर आने वाला हूँ जो बहुत डिफरेंट है. और आपको मेरी ही साउंड की झलक उनमें सुनने को मिलेगी जिस तरह मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता था. और मैं खुद म्यूज़िक भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ. मैं खुद काफ़ी अलग आर्टिस्ट के लिए भी म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा हूँ. और कई ऐसे गाने आएंगे जिनमें मेरा सिर्फ म्यूज़िक होगा, ना मैं गाऊंगा ना मैं रैप करूंगा. और वो बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं उनमें. तो वो एक सब सस्पेंस है. बहुत सारे गाने आने वाले हैं, भर भर के लेकर आ जाएंगे और भर देंगे अब. और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रहा हूँ. और दोस्तों पुरानी चीज़ों को भी मत भूलिए. पुरानी चीज़ें जैसी भी चीज़ें आने वाली हैं, ब्लू आइज़ देसी कलाकार जैसा कुछ अभी शूट करके आया हूँ मैं एलए में, जो उसको शूट किया है रूपन बल. इज़ लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर. बहुत अमेजिंग इंसान है, बहुत बढ़िया हार्डवर्किंग लड़का है.
लड़का नहीं कहूँगा, दोस्त है वो, बहुत अच्छा ह्यूमन है और मेहनती बहुत है, और आई थिंक मेरी लाइफ के अंदर सबसे फास्टेस्ट डायरेक्टर जो मैंने देखा अब तक अपनी लाइफ में एवर, वो रूपन बल को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इज़ वेरी प्रिसाइज कि उसको क्या शूट करना है, कैसे शूट करना, और बहुत क्विक है। हालांकि एक वीडियो में मेरी उसके साथ थोड़ी तू तू मैं हो गई, क्योंकि जो लड़की उसने कास्ट करी वो फाइनली बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कास्ट करी, और जो लड़की हमने सोच रखी थी वो लड़की नहीं आ पाई किसी तरह, जो मुझे लगता था कि मेरे वीडियो के लिए परफेक्ट है। तो फिर फाइनली रूपन ने मुझे कन्विंस किया कि पाजी ट्रस्ट मी, ये लड़की भी बहुत अच्छी लगेगी इस वीडियो में। तो मैंने कहा चल भाई अब वतन तेरे हवाले साथियों, तो जो करना है तो वो कर। और फाइनली वो वीडियो भी बहुत अच्छा शूट हुआ है। तीन वीडियोस हमने एले में शूट किए हैं दोस्तों। गाने का नाम बता दूं अभी नहीं ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा अभी। हाँ अभी गानों के नाम नहीं बताएंगे। और दोनों गानों मैंने अपने दो वीडियो शूट किए हैं, और एक होमी दिल्ली वाले का गाने शूट किया है सोलो। और जो मैंने दोनों गाने किए हैं उसमें मैं गा रहा हूँ और रैप भी कर रहा हूँ, बहुत क्रेजी रैप सुनने को मिलेगा आपको। और एक गाना पूरा पंजाबी में है, उसका रैप भी पूरा पंजाबी में है। आई थिंक दोनों गाने पंजाबी में है, और दोनों गाने के रैप भी पंजाबी में है, और रोमांटिक सॉन्ग्स हैं दोनों। तो आजकल बहुत रोमांटिक हो रखा हूँ मैं, देखो ना लग ही ना रोमांटिक, कितना रोमांटिक लग रहा हूँ आज। जस्सी सिद्धू पाजी ज्वाइंट, ओहो, जस्सी सिद्धू पाजी आ गए इंग्लैंड से लाइव कार्लिंग बियर के साथ। पाजी आई वांट टू हैव कार्लिंग बियर विद यू, आई एम कमिंग टू इंग्लैंड वेरी सून, तो असी कार्लिंग पीनी है कट्ठे, तो बारबेक्यू बनाना है तो कट्ठे खाना। सो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि दो गाने शूट किए हैं मैंने अपने लॉस एंजलिस हॉलीवुड में, जिसे शूट किया है रूपन बल ने फ्रॉम कैनेडा। बहुत हार्ड वर्किंग टीम है रूपन की, अनमोल स्टाइलिस्ट और क्रिएटिव डायरेक्टर है टीम में, बहुत छोटी सी उम्र का लड़का है। और आप सब जसरेन को तो जानते होंगे, लेजेंडरी जसरेन का छोटा भाई है। और एक लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है रूपन की टीम में, जिसका नाम है प्रभ, बहुत अमेजिंग बंदा है, बहुत फनी लड़का है, और वो सिंगर भी है। उसके भी गाने हमने सुने, बहुत अच्छे गाने हैं उसके गाने भी वो लोग रिलीज़ करेंगे जब भी, तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो अभी बस ऐसे ही आपके साथ बड़े टाइम बाद मैं लाइव आया हूँ, तो कुछ काम की बातें भी करेंगे, थोड़ी इधर उधर की बातें करेंगे, थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको पता लगे कि यो हनी सिंह इज स्ट्रगलिंग अगेन इन लाइफ फॉर हनी 3.0 वर्जन इन लाइफ। स्ट्रगल चलती रहनी चाहिए ज़िंदगी में, मज़ा उसी में है, क्योंकि जो दिल की धड़कन होती है वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। इसका मतलब इंसान जी रहा है, जब वो सीढ़ी चलने लग जाए तो इसका मतलब इंसान मर गया। तो स्ट्रगल ज़िंदगी में चलती रहनी चाहिए, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वापस ऊपर आने के लिए, ऊपर जाएंगे साला फिर कोई गलती करूँगा फिर नीचे गिरूँगा, फिर आप पुश करोगे फिर उठूँगा, तो ये तो करते रहेंगे हम लोग। तो दिस इज़ लाइफ बेबी, ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो, यहाँ पे क्या क्या पड़ा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दरबार साहब की फोटो पड़ी है यहाँ पे, बाबा नानक की फोटो ऑन द टॉप, टू गिव यू एनर्जी, टू गिव यू पीस ऑफ माइंड। और मेरे फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट शिव शंभू, बम बम भोले का कैरिकेचर पड़ा यहाँ पे, किसी फैन ने बना के दिया था मुझे, मेरे फेवरेट है बम बम भोले, बहुत रिलेट करता हूँ इनके साथ, इनके जैसा ही हूँ मैं, बिल्कुल भोला सा। और जब क्रोध में आता हूँ तो दुनिया हिला देता हूँ। Last Detroit joined as well, bro. My live is not in English, so I'm gonna talk to you in Urdu. Love from Pakistan. Assalamu alaikum to everybody from Pakistan. Laz is also from Pakistan, Karachi. Big up, Laz.
और एक मेरी सबसे पहली एल्बम आई थी जो रीमिक्स करी थी मैंने, उसका नाम था 2004 में हमने रिलीज़ करी थी और ये फ्लॉप हो गई थी। फिर 2005 में फिर दोबारा एक अमेरिकन कंपनी ने रिलीज़, 2004 में एक इंग्लैंड की कंपनी ने रिलीज़ करी थी, फिर फ्लॉप, पहले फ्लॉप हो गई थी, फिर 2005 में एक अमेरिकन कंपनी आई थी, देसी अमेरिकन कंपनी, उसने रिलीज़ करी इंडिया में, तब भी फ्लॉप हो गई थी। ये उसका सीडी कवर है, ये एल्बम इंटरनेट पे भी नहीं है कहीं। इट्स बीन फकिंग, ओ नो फकिंग, इट्स बीन 17 years ब्रो, 17 years सिंस खड़के ग्लासी, ये उससे भी पहले की एल्बम है, 2004 की एल्बम है। और कुछ अवार्ड्स पड़े हैं यहाँ पे जो किसी मायने के नहीं है मेरे लिए अभी तक, वैसे है मायने के लेकिन अभी ठीक ठीक है, नए अवार्ड्स आएंगे तो उनके मायने बदलेंगे थोड़े। और ये मेरा अजीब सा स्केच बना के दिया था किसी फैन ने, इनका नाम है मधुमिता दे। सो पुरानी लुक के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं हो गया था बीमार कई सालों तक, तो जो बीमार हो जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर में लोग, उनको दी जाती हैं कुछ दवाइयाँ, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दवाई मानी जाती है जिसे बोलते हैं सिज़ोपिन, उससे इंसान हो जाता है बहुत मोटा। तो मैं 102 किलो का हो गया था, आपने मुझे लोका में मखणा में देख ही लिया था इतना मोटा, और सबने अच्छा खासा ट्रोल भी किया था यानी सिंह तो मोटा हो गया। तो वापस कमबैक की तैयारी कर रहा हूँ फिटनेस वाइज, वो भी आपकी शिकायत दूर कर देंगे जल्दी। बॉडी शॉट दूंगा अक्टूबर में गाने में, जिस्म देखने वाला होगा मेरा, फिर लड़कियाँ भूल जाएंगे लोग, नहीं लड़कियों को भी याद रखो ऐसी बात नहीं। सो कुछ किताबें पढ़ी हैं हमारे इंडिया के, मेरे फेवरेट वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन मिस्टर नितिन गडकरी जी, जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने ये मुझे किताब दी थी, उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए थे अपने, वो वाली खोलियो अनमास्किंग इंडिया। देखो चैप्टर वन में क्या लिखा हुआ है इसके, रिवाइविंग अ ड्रीम, इज अ विजनरी, ये लिखो अनमास्किंग इंडिया में, इन्होंने मुझे किताब में स्पेशल लिख के दिया था, डियर हनी सिंह फ्रॉम नितिन गडकरी, व्हाट अ मैन। जब मैं इनसे मिला तो बहुत डरा हुआ था कि इतने बड़े इंसान से मिलने जा रहा हूँ कैसे होंगे, इतने सीनियर पॉलिटिशियन है तो शायद थोड़े गुस्से वाले होंगे, लेकिन बहुत हम्बल इंसान थे, बहुत बहुत नाइस इंसान थे, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियन इन इंडिया एंड देयर लॉट्स मोर एज वेल। सो मेलोडी रोजा की बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आज बड़े सारे लोगों ने ये पूछा कि इस गाने का नाम मेलोडी रोजा क्यों है। तो दोस्तों मेरा यो-यो हनी सिंह बनने के पीछे तीन आर्टिस्ट का सबसे बड़ा हाथ है। सबसे नंबर वन है AR रहमान, दूसरे नंबर पे हैं अपाची इंडियन सर, AR रहमान सर नंबर वन, अपाची इंडियन सर नंबर टू, नंबर थ्री पे हैं चमकीला जी, अमर सिंह चमकीला, अपाची सर की मैंने टोपी भी पहनी हुई है आज। तो रहमान सर की पहली एल्बम जो मैंने सुनी थी वो तमिल में थी, और उद्भव जो मेरा कज़न है, इसके डैडी जो मेरे पापा के दोस्त हैं बचपन के, तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक में बहुत सपोर्ट किया, अभिनव आचार्य जी ने, तो उन्होंने मुझे पहली बार तमिल सॉन्ग सुनाया एक पंजाबी लड़के को, और वो रोजा गाना था रहमान सर का। वो मेलोडी मेरे दिमाग में, तब मैं आई थिंक 10-11 साल का हूँगा, आई थिंक 8-9 साल का या 10-11 साल का हूँगा, तो वो मेलोडी मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा फंस गई कि मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में रोजा मेलोडी से बेहतर कोई मेलोडी आज तक बनी है या किसी म्यूजिशियन ने बनाई है। तो जब मैंने ये गाना लिखना शुरू करा तो मैं लड़की को ये कह रहा हूँ कि भी जो तेरी मेलोडी है लाइफ की, और तेरी जो मेलोडी है तेरी बॉडी की, और जो तेरी मेलोडी है तेरी ब्यूटी की, इट जस्ट लाइक रोजा विच इज़ लाइक अमेजिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो फिर मैंने ये गाना लिखा तेरी मेलोडी रोजा, फिर थोड़ा सा मैंने नोटी कर दिया इसको, थोड़ी सीधी हो जा, फिर और नोटी कर दिया, करो बत्ती बंद मैं कमरे में खो जा, मैं सर्च करूँ तुझको तू सर्च करे मुझको, टर्न ऑन टू मच करे मुझको,
This is sexy, baby. This is sexy. I've been waiting for you. मुख की है मेरी जिंदगी सारी. तेरी मेलडी रोजा थोड़ी सीधी हो जा, करूं बत्ती बंद मैं कमरे में खो जा. मैं सर्च करूं तुझको, तू सर्च करे मुझको. टर्न ऑन टर्न ऑन, तू मच करे मुझको. हथानू चक ले पुशित पुशित, मेरा मान तू रख ले. बॉर्डर पारों लेके आया मेरा माल तू चख ले. पुशित पुशित, सो कीप पुशिंग Melody Roja, keep loving, yo yo Hani Singh, push it, Melody Roja, spread it, सबको सुनाओ, सबको पकाओ कि यो हनी सिंह का एक नया गाना आया है. धीरे धीरे आपको पसंद आएगा, एकदम से नहीं आएगा. और जब तक ये पसंद आना लगेगा तब तक अगला गाना आ जाएगा. फिर जब तक वो समझ में आएगा, वो पसंद आने लगेगा, फिर अगला गाना आ जाएगा. तो अब रुकने वाले नहीं है भैया. कहा भैया, अब रुकने वाले नहीं है भैया. रोकने की कोशिश बहुत लोगों की है, रुकने वाले नहीं है भैया. हम ये क्या लाइन लिखी मैंने, वाह. दिल मेरा जलने लग रहा, बर्नौल की ट्यूब कहाँ है. ये मैंने अगले दिन लिखी थी, जब गाना पूरा गाना लिख लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया था. उद्भव ने रिकॉर्ड किया, उस दिन होमी नहीं था स्टूडियो में. तो हमने होमी को दो दिन बाद सुनाया गाना जब वो आया. तो ये लाइन मैंने लिखी जब मैं गाड़ी से अगले दिन गाड़ी में बैठा हुआ था. फिर मैंने कहा यार कुछ कमी है, थोड़ा सा कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें. तो फिर मैंने बात लिखी कि शायर ने खूब कहा है, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, खुद को शायर कह रहा हूँ, कि शायर ने खूब कहा है, हनी तुझमें डूब रहा है, दिल मेरा जलने लग रहा, बर्नौल की ट्यूब कहाँ है. पोलो लोलो, नो वन इज लाइक हनी सिंह. पोलो लोलो, व्हाट्स हैपनिंग गर्ल. मुक गई है मेरी जिंदगी सारी, कदे आनी 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 मेरी वारी वारी वारी. पुशित 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 पुशित. इस वीडियो को डायरेक्ट किया है हमारे वन एंड ओनली मिहिर गुलाटी साहब, जिनको मैंने सिर्फ एक हफ्ते पहले ये गाना भेजा. क्योंकि मैंने गाना बनाया जैसे ही, तो मैंने कहा लेट्स शूट इट. मेरे पास एक दिन खाली था, जुलाई में हमने इसको शूट किया, 7 जुलाई को. और बिग थैंक्स टू जी म्यूजिक, स्पेशली मिस्टर अनुराग बेदी, जिनको मैंने गाना भेजा. उनको समझ में आया, उनको पसंद आया, उन्होंने बोला लेट्स डू इट ब्रदर, लेट्स डू इट टुगेदर. सो वी डिड इट, इन जस्ट द बिगिनिंग. इज जस्ट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द In the beginning, in the beginning, this is the beginning. Hani Singh and Shubh, oh definitely man, I love Shubh. I really want to work with him man, he is crazy. Shubh is the best right now in the scene. Everybody check out Shubh. And Shubh the best gaana mainu pata kehda lagda. Ek to gaane de na sare unne angrezi ch likhe hai, gaane sare punjabi ch hai. टाइटल अंग्रेजी से. मेरे डब बत्ती बोर थले कालीकार भी वधिया लगता है. वैसे मैं एक गाना हो रहा है, मैं भूल गया, वो ज़्यादा वधिया लगता है, सुन के फिर दसूंगा. एवरीबॉडी गो चेक आउट शुभ, ही इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट क्रेजीएस्ट गाय राइट नाउ इन द पंजाबी सीन. यू मस्ट लिसन टू हिम एंड ही शुड मेक वीडियोज एज वेल. सिर्फ गाने सुटी जाता इदा, वो वीडियो नहीं भेज रहा. एक सेकेंड मैं ना, इट्स आरडीएम भाजी का कोई मैसेज आया, मैं पहले चेक कर ला. उन्होंने जरूर लिखा होना कि पाजी ए ना बोलो तो ए बोलो. ओके यस, सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप मेलोडी रोजा पे जितनी ज़्यादा हो सके रील्स बनाएं, इसको फेमस करें गाने को, मुझे सपोर्ट करें, वापस कमबैक के लिए अपना योगदान दें. मेरी तैयारी पूरी है, धीरे धीरे आपको खुश करता रहूँगा. शायद बीच में आप किसी चीज़ से नाखुश हो जाएं तो उसके लिए माफ़ी है. अगले गाने में बेहतरी होगी, उसमें शायद आपको बहुत पसंद आ जाएगा कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया. सो डेफिनेटली वांट टू कीप डूइंग इट. ओके, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ रहे हैं. पाकिस्तान वालों किदां, ठीक हो सारे लोहरियों.
Yo Yo Honey Singh and MMA Bantai. Definitely, I want to do that. Afsana Khan, kaisi ho behna? Amit Badana, bhai, kaise ho? Filme pe filme bana rahe ho? खतरनाक लग रहे हो फिल्मों के ट्रेलरों में, तो मैंने अभी देखी नहीं पिक्चर है वो। अच्छा वो पागल है या पगल है वो मुझे पता नहीं लगा अभी तक ढंग से, लिख के बताना मुझे। चलने लग रहा बरनोल की ट्यूब कहाँ है, तो इसमें मैंने आवाज अपनी थोड़ी पतली सी करके गाई, क्योंकि जो आजकल अफ्रीकन काले सिंगर आप सुन रहे हो जो एफ्रो म्यूजिक बजा रहे हैं और जिनके गाने बहुत चल रहे हैं, उनकी पतली पतली आवाजें होती है, तो मैंने कहा एफ्रो म्यूजिक डिजर्व्स लिटिल थिनर वोकल, सो आई ट्राइड कि मैं अपने वोकल को थोड़ा थिन करके गाऊं। पारी 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 बियर्डो, बियर्डो भी आ गया है, कंजर कंजर बियर्डो इज इन द हाउस। वेयर इज द रियल कंजर? ऋषभ चड्डा, वेयर इज ऋषभ चड्डा? मैं ऋषभ चड्डा और बियर्डो ये दो इंसान हैं जो मेरे वस्त्रों पे काम कर रहे हैं आजकल और मेरे को ड्रिप बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं तो सिंपल रहता हूँ भाई, आपको सबको पता है, एक ही टी शर्ट पहनता हूँ, वो भी यही बना के देता है, डेनिम्स मधुकान भाई मेरा बना के भेज देता है, लेकिन इस बार ये इतनी ही शॉपिंग करवाई इसने मुझे। अथन भी आ गया भाई, ऋषभ चड्डा सिंस स्टार्ट कंजर, ऋषभ को मैं प्यार से कंजर बोलता हूँ और बियर्डो को भी, दोनों को कंजर बोलता हूँ, और क्योंकि ये पूरा स्टाइलिंग फॉर्मेट चेंज कर दिया इन्होंने मेरा, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हो गया था, 5 साल सीन से दूर रहा और मुझे फैशन के बारे में समझ तो बहुत है शुरू से बचपन से, लेकिन क्या अभी चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे थोड़ा मैं कट गया था, तो इन दोनों ने वापस मेरे अंदर का फैशन जगाया है और नई नई चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं वीडियोस के अंदर, अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं। एक गाना दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, एक लड़का है उसका नाम है म्यूज़िक एमजी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिलिंद गाबा द म्यूज़िक एमजी, उसने करा ली है शादी। शादी कराने से पहले उसने गाना मेरे साथ एक शूट किया था, गाने का नाम है पेरिस का ट्रिप, वो पट्ठे ने अभी तक वो गाना रिलीज़ नहीं किया है। आप जितने लोग मुझे प्यार करते हो ट्रस्ट मी वो गाना इतना क्रेजी है, और उसमें मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया और मैंने ढोलक प्रोड्यूस करी है, जो मैं जब चंडीगढ़ में काम करता था तब बनाता था, उस तरह की वाइब है और क्रेजी रैप है, और वो मेरा डुएट सॉन्ग है उसके साथ, मतलब ये नहीं है कि उसने गाया और मैंने रैप किया, मतलब ये नहीं है कि मैंने गाया और उसने रैप किया, एक्चुअली में एक लाइन वो गा रहा है एक लाइन मैं गा रहा हूँ, एक लाइन वो गा रहा है एक लाइन मैं गा रहा हूँ, पूरा गाना हमने आपस में अपनी टोन मैच करके ये बनाया है, और उस गाने का नाम है पेरिस का ट्रिप। वो पट्ठे ने अभी तक उसको 3 महीने तक रिलीज़ नहीं किया है, मुझे नहीं पता क्यों, मैं उसको इतना फॉलो कर रहा हूँ, उससे बार बार पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसके हॉलीडेज नहीं ख़त्म हो रहे, कभी कहाँ बैठा होता कभी कहाँ बैठा होता कभी कहाँ बैठा होता है। तो प्लीज़ आप अगर मुझे प्यार करते हो, म्यूज़िक एमजी को प्यार करते हो, तो म्यूज़िक एमजी को DM कर करके भर दो उसकी, ले लो कि वो गाना रिलीज कर, क्योंकि उस गाने के बाद मैडनेस है, वो गाना मैडनेस, ट्रस्ट मी टेक माय वर्ड्स, पेरिस का ट्रिप इज नेक्स्ट लेवल। मैं चाहता था वो गाना सबसे पहले आ जाए मार्च में अप्रैल में ही वो गाना आ जाए, उसके बाद डिजाइनर आए, उसके बाद इधर उधर के गाने जो भी छोटे मोटे हम लोग कर रहे हैं कोशिश वो सब आते रहे, लेकिन वो गाना पता नहीं क्यों डिले कर दिया पट्ठे ने, तो उस पट्ठे को म्यूजिक एमजी को जाके DM करो, उसको तंग करो, जिन जिन के पास उसका फ़ोन नंबर है फ़ोन कर करके उसको पागल कर दो कि ये गाना निकालो। तो अब वो मुझे कह रहे हैं गाना निकालेंगे अक्टूबर में, तब तक बुड्ढे हो जाएंगे हम। और बताओ दोस्तों किसके साथ मुझे और कोलैबोरेशन करनी चाहिए? ध्वनि बालूशानी इन द हाउस, ध्वनि व्हाट्स हैपनिंग ध्वनि, लाना डेल रहे है ध्वनि इंडिया की,
सारी। लिल गोलू, यस लिल गोलू भी वापस आ चुका है और बहुत इधर उधर मस्ती मार रहा था वो, तो मैं उसको बुलाया स्टूडियो पिछले महीने, हम लोग बैठे हैं, हम लोगों ने गाना भी लिखा है इकट्ठे और उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। उसने रिकॉर्ड अपने आप किया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो उसको मैं वापस बुला के दोबारा रिकॉर्ड करूँगा और अपना पार्ट भी उसके साथ ही रिकॉर्ड कर लूँगा, तो वो मैं अगले महीने कर लूँगा फर्स्ट वीक में, और वो गाना भी जल्दी आएगा। असली सोना इज हेयर टू, देसी कलाकारनी इज इन द हाउस, बिग अप। I say push it, push it. So it's a request to all my fans, push this song, Melody Roja. I'm not saying make it a hit, cause it's already a hit, baby. Make it a super hit. Deep Kalo, what's happening, Deep Kalo? I want a collaboration with you, bro. I want a Jordan Sandhu in the house. Jordan Sandhu, kya khatarnak awaaz hai bande di. Sukhi Musical Doctor joined. Doctor saab bhi aage. Musical Doctor saab bhi aage. Musical Doctor saab. What a composition. It's a fluke, bro. I just sang it in one flow and wrote on it. This composition just came just like that. Bajja sanu bajaun aunda ni. Bina bajje to composition bandi hai sadi. Bina bajje to. Jehdi jithan tha vajdi hai. Sidhu Moosewala, yes, bro. Everybody missing him. Zayden, the Justin Bieber of India, is here as well. Desi Kalakar Part 2, definitely yes. Next year, Desi Kalakar Part 2 gonna happen for sure. And it's gonna be in Hollywood again. So I'm writing it. Let's see Brown Rang Part 2. पता क्या होता है यार, Part 2 बनाने में ना एक बड़ा मसला है, टैन जो तो पहले वाले गाने से तुम कंपेयर करने लग जाते हो वो फिर गल ज नहीं बनती, तो इट्स बेटर टू मेक अ न्यू सॉन्ग एंड डोंट नेम इट एज 2.0 और 2.3 व्हाटएवर। दिल मेरा जलने लग रहा पर नॉल की ट्यूब कहां। अच्छा एक मैं आपको और कर दूं, अल्फाज के खिलाफ भी कर दूं आज ऐलान कर दूं। ओके सो डीजे स्नेक इंडिया में, हाँ उसको बोलो पिटारी में डाल लेंगे, यहाँ मना घूमे यहाँ वाना घूमे भैया, पिटारी पुटूरी में डाल लेंगे लौंडे। ओके सो आई वाज सेइंग अल्फाज का एक बहुत खतरनाक गाना रेडी है, जिसके लिए अल्फाज रेडी नहीं है क्योंकि वो जिम नहीं करता और वो मेरी तरह मोटा हो रखा है, तो आप उसको जाके डीएम करके भर दो कि पाजी जिम करो जिम करो जिम करो, तो हम उसका गाना भी जल्दी शूट करें और वो भी लेकर आए। बहुत सारी कोलैबोरेशंस है लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोलैबोरेशन से पहले कुछ दो तीन गाने आपको अपने सोलो दूँ। तो एक आपने मेलोडी रोजा सुन लिया है, एक गाना दो गाने मैं एलए में शूट करके आया हूँ, वो लव सॉन्ग्स हैं दोनों, आरएनबी हैं उसमें, रैप भी है, पंजाबी गाने हैं दोनों, लाइट वेट पंजाबी सॉन्ग्स, और एक की बीट बनाई है होमी दिल्ली वाला ने, एक की बीट बनाई है बेस योगी ने, बेस योगी राजन औजला इन द हाउस। राजन औजला ब्रदर व्हाट्स हैपनिंग, भंगड़ा कितना चलता, अभी 35,000 लोग थे अभी 15,000 लोग हो गए, मैं जा रहा हूँ मैं बोर कर रहा हूँ लगता है सबको,
मैं नहीं आने वाला फिर लाइव दोबारा, ये थोड़ी ना बात होती है आनी तो। वेटिंग फॉर पेरिस का ट्रिप, एवरीबॉडी पेरिस का ट्रिप पुश कर दो, डंडा दे दो म्यूजिक एमजी के अंदर कि ये गाना निकाले जल्दी, डंडे के अंदर थोड़ा तेल लगा के उसको इतना पुश कर दो, इतना पागल कर दो कि वो कल मुझे मैसेज कर करके बोले किया क्या आपने, क्योंकि मैं उसको मैसेज कर करके थक गया हूँ। और वो गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आप सोच लो गाना क्या होने वाला है। ढोल पे गाना है वो, सिंपल सा लिरिकली उसने लिखा है, साथ में गोल्ड बॉय है, क्या नाम है उसका, गोल्डी अपना, उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा क्योंकि गोल्ड के नाम से दो तीन लड़कों के नाम है, गोल्डी है अपना और मैंने उसके साथ मिलकर रैप लिखा है। तो वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, शूट हो चुका है मार्च में, अभी तक रिलीज़ नहीं किया उसने। पूछो क्यों भाई, क्यों करे मुझको हथानू चकले। बोहिमिया साथ, बोहिमिया के साथ पाजी, ऐसे मत लिखो, लिखो बोहिमिया पाजी के साथ पाजी, ऐसे लिखो, बोहिमिया पाजी के नाम के बाद पाजी लगाना सीख लो, जरूरी है बहुत ज्यादा। बोहिमिया के साथ मत लिखो और मेरे नाम के आगे पाजी लगा रहे हो, ऐसे नहीं होता। इंडो इन द हाउस, इंडो बेबी आई एम मिसिंग यू, सवेर हो गई इंडो, अच्छा इंडो तो सवेरे उठ जाते हैं, इंडो भाई मिसिंग इन इंडिया ब्रो, एलए वाज फन जस्ट लाइक ओल्ड डेज। 8 साल के बाद मैं अमेरिका गया हूँ इस बारी और क्या मज़ा आया, क्योंकि जहाँ इंडो हो वहाँ मज़ा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बात कहाँ से कहाँ रह गई, मैंने इस बारी बोहिमिया पाजी से भी मिलना था लेकिन मेरा ट्रिप कुछ लंबा था, किसी कारण वो शॉर्ट हो गया और मेरे को जल्दी वापस आना पड़ा, तो मैं बोहिमिया पाजी से मिल नहीं पाया। डेफिनेटली बोहिमिया पाजी से मिलेंगे, मिल के खूब सारी बातें करेंगे, पार्टी करेंगे, चिल करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कुछ साथ में बनाने की, क्योंकि काफ़ी वक्त से मौका ऐसा लग रहा है कि बोहिमिया पाजी और हम कोलैब कर पाएँ, लेकिन मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ बना के भेजूँ, पाजी वहाँ से वर्स गा के भेजें और मैं फिर हम उनको मिलें सीधा सेट पे और हम वहीं पे शूट करें। सो आई वांट कि वन ऑन वन जैमिंग हो, मस्ती करें स्टूडियो के अंदर, दो तीन गाने बनाएं, दो तीन गाने बना के एक दो को डंप कर दें और एक गाना उसमें से ऐसा निकालें जो बीट करे सहारा को। अगर मैं कभी बोहिमिया पाजी के साथ काम करूं और सहारा गाने को बीट ना कर पाऊं तो मेरे पर लानत है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो दोस्तों बोहिमिया पाजी को बिल्कुल मिलेंगे जल्दी, एक ही बारी मिला हूं मैं पाजी से बस, कई साल पहले, 8 साल पहले जब वो दिल्ली में थे और हमें पता चला वो सेम होटल में, तब उनसे मिलने गए थे मैं और अल्फाज, हम दोनों गए थे मिलने। बहुत मज़ेदार आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है, लोगों को लगता है गुस्से वाले हैं, बिल्कुल गुस्से वाले नहीं हैं, बहुत प्यारे हैं। करण औजला विद यो यो, करण इज टू मच बिजी ब्रो, करण इज टू मच बिजी, कोई नहीं, करण इज ऑल्सो गुड, ये डेफिनेटली विद करण औजला एज वेल। अल्फाज के साथ बनाओ, अल्फाज के साथ बना रखा भाई गाना, उसको आप समझाओ थोड़ा पतला हो, शूट करें, एमी वे को डिस्ट्रैक्ट करो, तेरा दिमाग खराब है कौन तू, स्पाइस गेमिंग देख, फोटो लगा रखी है अपने चाचे के बेटे की और उल्टी सीधी बातें लिखते हो यहाँ पे आके, क्यों करे भाई डिस किसी को, नहीं करना डिस हमने कभी, करा नहीं आज तक, क्यों करे अभी, ये जोन ही नहीं हमारा, बत्ती बंद करने वाला जोन है हमारा, भेज रहा है किसी को, ओए स्पाइस गेमिंग, स्पाइस गेमिंग कहाँ गया, कैसी कैसी बातें लिखते हैं। देखो मानव मंगलानी जी इन द हाउस बेबी, वेलकम मिस्टर मानव मंगलानी जी, आपका जन्मदिन था थोड़े दिनों पहले, बहुत बहुत मुबारकें हों जन्मदिन की। मुक गई है मेरी जिंदगी सारी, मेरी वारी वारी वारी, करूं बत्ती बंद मैं कमरे में खो जाऊं,
सर्च करे मुझको। क्या हाल आपके ब्रदर माना पाजी पूछ रहे हैं। पाजी बहुत बढ़िया, मजे में है, मौज ले रहे हैं जिंदगी का जो मिली है एक बारी। स्टूडियो में अभी जिम करके आया हूँ और नैंडोज भी लेकर आया हूँ, अभी नैंडोज खाऊंगा थोड़ी देर। रूपन बल हॉन यू ब्रो, मिस यू, कम बैक सून, फक यू ब्रो। हनी लिखना सी, और नहीं लिखता थले हनी लिख के फिर स्टार पा रहे नाल। रूपन बल द मेपल सिरप सिंह। रूपन भाई मैं थोड़े बारे बहुत कोई पुट्ठा सीधा बोलता है लाइव च, सुन के बुरा ना मन्ने हो। वैसे मैंने इनफैक्ट काफी सारे लोगों के लिए उल्टा सीधा बोल दिया इस लाइव में। भाई साहब मैंने कोई नशा नुशा नहीं कर रखा, मेरा जोन ही अभी इस टाइम ऐसा हो रखा है क्योंकि मैं लाइव आता नहीं, मुझे पता नहीं क्या बात बोलनी क्या नहीं बोलनी। अब कल सुबह सुबह राज पाजी का मेरे को फोन आएगा, पाजी ऐ क्यों बोलता, पाजी ओ क्यों बोलता, मिलिंद पाजी आ गए, मिलिंद आया क्या, नहीं आया अभी तो लाइव। सो इमरान खान डेफिनेटली विद राम इमरान खान एज वेल, आई वांट टू डू सॉन्ग्स विद एवरीबॉडी। एमी वे बंटाए, इतने सारे स्टार्स बनाए एमी वे बंटाए के नाम पे किसी ने, वो तो मेरा फेवरेट है। वो एक ऐसा रेवोल्यूशन है इंडियन रैप सीन के अंदर जो अरे मिलिंद गावा कह रहा है पैरी पहना। मिलिंद तेरे लिए मैंने इतना कुछ बोल दिया अभी लाइव में कि तेरी बैंड बजने वाली है और सब तेरे से पूछेंगे कि पेरिस का ट्रिप कब है भैया, कहा भैया। यो यो हनी सिंह पुश इट पुश इट। ये लिख रहा है सन्नी सोनकर, करण जोहर के साथ कोलैब करो। भाई मैं करूंगा क्या, वो किसी को कुछ करने थोड़ा देते हैं, उनका शो देखो आप, किसी को बोलने नहीं देते, वो हमें गाने कैसे देंगे वो। नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। मिलन गावा लिख रहा है आप जो भी बोलो सर मत्थे पे, सर मत्थे पे नहीं, डंडा बोला मैंने देने को सबको तेरे अंदर जब तक गाना नहीं आएगा। हनी बाजी लव फ्रॉम बिहार, कैसे हो भैया, ठीक हो, कहां से हो। चलो यार बस बहुत हो गया, अब कितनी देर होगी इसको, पता कैसे चलता है इसको कितनी देर होगी, नहीं पता चलता ना, जब वीडियो खत्म होगा तब पता चलेगा। तो जल्दी आएंगे दोबारा लाइव आपसे बातें करने। प्लीज प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मित्रों की सहेलियों, मेलोडी रोजा के ऊपर रील्स बनाएं और फैलाएं। बिग शार आउट टू मीर गुलाटी, बिग शार आउट ऋषभ चड्डा बियर्डो फॉर द फैशन, बिग शार आउट टू माई सेल्फ, बिग शार आउट टू जी म्यूजिक राग बेदी एंड द टीम राज, बिग शार आउट, पीस आउट एवरीबॉडी, साइनिंग ऑफ योर योहानी सिंगर।